पहले तो आप सब देखने वालों को मेरी जानिब से, सैरिश की जानिब से, हमारी सारी टीम की जानिब से, बोल न्यूज की जानिब से बहुत 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 ईद की खुशियां मुबारक हो। और आई एम श्योर कि आपकी चांदरा जो है वो बहुत अच्छी गुजरी होगी और ईद का दिन भी बहुत उम्दा गुजर रहा होगा। वैसे सैरिश, मुझे लगता है कि जो अब ईद है ना, काफी मुख्तलिफ हो गई है। एक वक्त था कि जब ईद कार्ड दिए जाते थे, लोगों के दरमियान अगर फासले होते भी थे तो वो थोड़ा सा दिल बहुत करीब होते थे। अच्छा बोलने, कामरान ब्रेक नहीं लगा रहे, वरना ये मुझसे गिला करते हैं कि आप ब्रेक नहीं लगाती। बात ये कामरान कि अब तो मैं ये देखती हूँ कि माशाल्लाह से बच्चे घर में खुद से हैंडमेड ईद कार्ड्स तैयार करते हैं। वो जमाना चला गया कि हम खरीदने जाते थे। अच्छा, तो ईद कार्ड्स अब भी चलते हैं। जो लोग इस रिवायत को, इस कल्चर को जरा वो बरकरार बहाल रखना चाहते हैं, वो अब भी कोशिश करते हैं, एफर्ट करते हैं। एनीवेज, लेकिन ईद पे जो एक फेस्टिविटी का माहौल मिला है, वैसे बिल्कुल ईदी मिली आपको? ईदी की बात ये जरूर करते हैं, मेरी तरफ से ना ईदी इनको मिल गई। असल बात ये है कि मैं चाह रहा था कि आपको ईदी जो मिल गई है ना, मेरे पास, मैं आपके साथ शेयर डिपॉजिट करवा दें। बिल्कुल, आपको ना अगले साल इंशाल्लाह जरूर वापसी मिलेगी। कामरान जो है वो छोड़े, कामरान ये ख्वाहिश आपकी ख्वाहिश ही रहेगी। एनीवेज, ईद पे जनाब हमारी तरह आप भी ये प्लान बनाते होंगे कि हमने मूवी देखने जानी है कजन्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, इस ईद को खूब इंजॉय करना है। तो हमने भी सोचा कि ईद के खास मौके पर एक बड़ी ज़बरदस्त दादल मूवी रिलीज़ हुई है, तो उसकी कास्ट की मुलाकात आपसे करवाई जाए ताकि आप भी अपनी ईद का मज़ा दोबारा कर सकें। वो स्टार्स जो को आपको बड़े पर्दे पर नज़र आएंगे, उनसे आपकी लाइव मुलाकात करा देते हैं कामरान। आप जिन लोगों को आज शाम को देखने जाएंगे मूवी पे, आज सुबह के औकात में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बिल्कुल, मोहसिन अब्बास हैदर हमारे साथ मौजूद हैं और नेहा लाज इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर योर टाइम। और बड़ा अच्छा लग रहा है ईद के इस खास मौके पर। सोनिया भी हमें कुछ देर में ज्वाइन कर लेंगी। बिल्कुल, सोनिया भी ज्वाइन कर लेंगी, वो असल में रास्ते में है, उनको पहुंचने में थोड़ा टाइम लगे, इन दोनों को हमने पहले पकड़ लिया है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और नेहा इतनी थकी हुई लग रही है इस ईद के दिन भी। नेहा, लगता है आपको 3 दिन से सोई नहीं है। आपको एक्टर्स और एक्ट्रेसेस ने काफी तंग किया, ये थकावट की वजह क्या है? असल में फिल्म की रिलीज करीब थी तो इस चक्कर में थोड़ा ज़्यादा जाग रहे हैं। और बाकी मैंने कहा 3 दिन, मुझे तो लग रहा है जब से फिल्म की डेट अनाउंस की मैं सोई नहीं हूँ सही से। तो और ये मुझे सही से पहचान जाते हैं जब मैं इनको वॉइस नोट करती हूँ, अब आप इतनी थकी हुई हैं, मतलब ये वाहिद है जो मुझे पहचान जाते हैं कि थकी हुई हैं। तो इसलिए मौसम बताइएगा, सबसे पहले तो मूवी के हवाले से जानना चाहेंगे, थोड़ा सा हमारे नाजरीन को बताइएगा। आज ईद का दिन है और यकीनन शाम को प्लान कर रहे होंगे, तो कुछ बताएं इस मूवी के बारे में जो अट्रैक्ट करे उन तमाम नाजरीन को कि शाम को सिनेमा जाएं और दादल मूवी जरूर देखें। मैं That is a good one. देखे, मैंने आज तक आपको फ्लॉप फिल्म दी सिवाय एक, उसका हम जिक्र नहीं करते। लेकिन मेरी हिस्ट्री अच्छी है फिल्म्स के मामले में, तो डेफिनेटली आपको बहुत महसूस होने का मौका मिलेगा। और ईद मुबारक इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि कामरान साहब ने पहले ही इतने सारे बहुत सारी कर दी सबकी तरफ से बोल दी बहुत 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 मैं इंतजार कर रहा कहां खत्म हो गई। बट यस, आपको बहुत ईद मुबारक भी हो। और ईदी आपको हम दादल की सूरत में दे रहे हैं, इसमें सोनिया हुसैन साहब हैं, इसमें रिजवान अली जाफी साहब हैं, इसमें अदनान चाटीबू साहब हैं, इसमें शमू नवासी साहब हैं, इसमें मायरा खान साहब हैं। सो एक बड़ी बेहतरीन और बढ़िया कास्ट है इस फिल्म की और एक बहुत मुनफरद किस्म का सिनेमा हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। और ईद पर बाकी भी जो फिल्में लग रही हैं उनको भी जरूर देखिए, आप हमारी पाकिस्तान की फिल्म्स हैं और उनको भी सपोर्ट कीजिए, उनको भी देखने निकलिए घर से। लेकिन घर से निकलिए जरूर, जब आप घर से निकल के एक बार सिनेमा आ जाएंगे, आई अंडरस्टैंड कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, सिनेमा की टिकट बहुत महंगी है, ये सारी ग्राउंड रियलिटीज़ को मैं जानता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी सहरिश की तरह ईदी तो मिली होगी ना। तो अगर ईदी वो नहीं बताते ये कि उनको कितनी मिली, कब मिली, कैसे मिली, तो वो जो ईदी है उसका एक छोटा सा हिस्सा लेकर अगर आप सिनेमा तक पहुँच गए तो आप मायूस नहीं होंगे, ये मैं आपको। अच्छा, एक तो एक चीज और, अभी हम लोग इससे पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि दादल ये नाम एक ऐसा है कि कुछ लोगों ने इसको गूगल भी किया लेकिन उन्हें समझ नहीं आई कि कोई करेक्टर है, किसी शहर का नाम है, ये दादल का मतलब क्या है? माजरा क्या है ये? अच्छा, ये जब स्क्रिप्ट मेरे पास आई थी इसका नाम था सलाम कराची और इसमें विलन का नाम था दादल। तो मैंने कहा मैं फिल्म की स्क्रिप्ट तो अच्छी लग रही है, फिल्म का नाम अच्छा नहीं लग रहा, तो कह लेंगे फिर क्या करें। मैंने कहा इसको दादल कर दें, कि इसके मींस क्या, मैंने कहा इसके मींस जो भी, मुझे ये नाम अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये रख दीजिए, दैट मींस करैक्टर है एक। जी नहीं, अभी करैक्टर नहीं है, अब हमने दादल एक बस्ती का नाम रख दिया है। अच्छा, बस्ती का नाम। थोड़ी स्टोरी के बारे में बताइएगा, किस बारे में ये है? ये मौसम बताएंगे ना? बिल्कुल, एक्टर से पूछें। अच्छा चलिए, मौसम ये वैसे फिल्म बना के थक गई हूं मैं, वो एक्चुअली थकी हुई है। अच्छा, मैं इनकी हिम्मत की वैसे दाद भी देता हूँ, इन्होंने बहुत मेहनत की है, डायरेक्टर साहब ने, हमारे पूरे क्रू ने, एक फ्रॉम टी बॉय टू एडिटर्स, सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और उसमें डेफिनेटली इनकी भी वो सारी रातें जो इन्होंने काली की हैं, मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ। और बाकी जहाँ तक कहानी की बात आप लोग कह रहे हैं, कहानी बहुत बढ़िया, बहुत डिफरेंट है। ये हम हर फिल्म के बारे में कहते हैं
लेकिन ये इस वक्त मैं रिवायती जुमला इस्तेमाल नहीं कर रहा, ये एक्चुअली आपको इसके ट्रेलर से अंदाजा हो गया होगा कि ये एक ऑफ बीट सिनेमा है, एक डिफरेंट सिनेमा है जिसमें हमने एंटरटेनमेंट का तड़का लगा के दिया ताकि आप बिल्कुल ही बोर ना हो जाए। ये खुद है अच्छा इन्होंने अपनी तारीफ पहले खुद ही कर दी थी क्योंकि मैं वैसे सारी में काम होता है ये, लेकिन ये मेरे पीछे पड़े रहते हैं, मुझे समझ नहीं आती इसकी वजह क्या, ईद पे भी मतलब खैर एनीवे बाकी में आपको एक तो ये बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी मिलेगी, हम बाकी में कह नहीं रहे ये है डिफरेंट। और जो हमने वो डार्क सिनेमा पे जो तड़का लगाया ना मौसिन साहब जो जबरू बनकर आए हैं, तो ये बड़े ब्रूटल किस्म के पुलिस ऑफिसर हैं और आई थिंक क्राइम पार्टनर है क्रिमिनल्स के साथ, कुछ ऐसा ही नहीं? बिल्कुल ऐसा बिल्कुल ऐसा नहीं है। अच्छा। बिल्कुल झूठी खबरें मत फैलाएं मेरे पास। अच्छा ये एक इंटरव्यू में कह रहे थे मैं कभी भी नहीं चाहता कि मैं ना जबरू कभी बनूं ना, और मुझे मैंने इनकी बात सुनी थी कि कह रहे थे कि मुझे एज अ हीरो इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया था लेकिन मुझे ये करेक्टर इतना जानदार लगा कि मैंने हीरो बोला कि नहीं मैं बनूंगा। खासी लड़ाई चली है हमारी इसके ऊपर, तो खास वजह क्या थी इस करेक्टर को चूज करने की? मुझे ऐसा लग रहा था कि जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा था, मुझे जब सरमत का किरदार ऑफर हुआ था रिजवान जाफरी साहब जो अब कर रहे हैं, तो मैं वो पढ़ते 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 मैं जा रहा हूँ उसकी मुझे लग रहा था कि वो मुझे उस तरह से ना पकड़ नहीं रहा, और जब स्क्रिप्ट पढ़ते पढ़ते मैं जबरू तक पहुंचा तो जबरू ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे साथ लेके चल पड़ा, तो मुझे लगा कि ये है जो मुझे करना है। तो मैं सुबह पहुंच गया ऑफिस निहाल साहिबा के, वहां पे अबू लहर साहब भी मौजूद थे, मैंने कहा कि भाई ये करूंगा, इन्होंने मुझे कहा कि ये इंटरवल के बाद आएगा और एक गाना इसके अंदर जो मैंने आपके ऊपर ही पिक्चराइज करना है और ये नहीं हो सकता, आपको वो गाना करना है। तो लड़के फिर कैरेक्टर लिया, तो मैंने इनसे बसित होकर वो मैंने कहा कि अच्छा। मैं यही करूंगा, अगर करूंगा वरना हाँ। मैं आपके लिए मैं गाना अच्छा, अच्छा, वैसे मौसिन तो नो डाउट, वैसे अगर एक्टर की बात की जाए तो मैं खुद बहुत बड़ा फैन हूं कि ही इज अ वेरी गुड एक्टर, हर किसी करेक्टर के अंदर ढल जाते हैं। इस करेक्टर के हवाले से जानना चाहूंगा कि क्या आपने मेहनत की या फिर आपको लगता था कि मैं बहुत वैसे ही कर लूंगा, मुझे इस हवाले से मेहनत करने की जरूरत नहीं है? मगर इसका जवाब मैं दूंगी, इन्होंने मेहनत नहीं की, इन्होंने बहुत मेहनत की है। ओके। और एक और वर्ड कहूंगी इनके लिए कि मेरे इन्होंने लड़की लिए कैरेक्टर, पर पहले दिन इन्होंने मुझे बता दिया कि मेरे अलावा ये कैरेक्टर कोई कर नहीं सकता था, और मैं दिल से थैंक यू कि ये कैरेक्टर आपने किया, और मुझे इनको जबरू से नफरत है और मुझे जबरू से बड़ा प्यार है। okay. अच्छा चलिए मुझे एक बात मेहनत के बारे से बता रहे थे, क्या मेहनत की आपने, किस तरह मेहनत की? सो बेसिकली हम इस पे इस किरदार पे बैठे और इसकी बॉडी लैंग्वेज से लेकर इसके चलने, इसके खुजाने, इसके हाथ रखने, इसके बोलने तक पर हमने होमवर्क किया, इवन इसकी आउटलुक पे भी हमने काम किया कि इसकी यू नो लुक कैसी होगी। कपड़े पहनता है पुलिस वाले लेकिन वो कैसे पहनता है, शर्ट कैरी कैसे करता है, तो अगर आप उसको बहुत क्लीनली देखें तो वो चेन्स कैसी पहनता है, वो ऐनक कैसी पहनता है, तो उसके रख रखाव पे बहुत काम किया गया। और फिर अच्छी बात ये रही कि जी प्लीज नहीं आप बोलो, अच्छी बात ये रही कि हमने उसको अभी पूछते हैं उस किरदार को उस किरदार को ओढ़ने में बहुत ज्यादा वक्त मैंने लिया नहीं, जो कि एक ब्लेसिंग है मेरे लिए, मुझे बड़ा मजा आया। हमने पहले दिन ही पहला सीन हमने लियारी में ही किया था, जहाँ पे बहुत से बच्चों के बीच वो हमने वो दर्जी वाला सीन किया था ना, वो मेरा पहला दिन था, तो पहला दिन था और पहला सीन था, और वो मोटरसाइकिल से उतर के आना था मुझे। मुझे लगता है कि उस वो जो वॉक थी फ्रॉम बाइक टू दर्जी, उसमें ही मुझे पता लग गया था कि ओके सही जगह सही तरफ जा रहे हैं हम लोग, और फिर अप्रूवल यहाँ से भी आ गया और डायरेक्टर साहब की तरफ से भी आ गया, तो हमें हम एक पेज पे आ गए कि अच्छा हम सही तरफ जा रहे हैं, अब हम इसको और पॉलिश करेंगे और मेहनत करेंगे। और उस मेहनत की मंजूरी और कबूलियत की गवाही ये है कि ये किरदार जो कि इंटरवल के बाद आने वाला था फिल्म में, इन लोगों ने मुझे एक दिन ये खबर दी कि आप इतना अच्छा कर रहे हैं कि हम आपके लिए स्क्रिप्ट लिखवा रहे हैं और हम इसको इंटरवल से पहले लेकर आएंगे। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पास पानी, बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल, जो बच्चो हिंदू हुआ पर आए थे जो कुआन पाकिस्तानी, मुख्य मेहरबानी करे पंजो आकाश वापस कयो, हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद, आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदिया से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा, मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज, CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ, उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।